CAA NRC के प्रदर्शन के दौरान सुर्खियों में आया शाहीन बाग इन दिनों काफी चर्चाओं में है। बीते दिनों MCD ने साउथ दिल्ली के कुछ इलाकों को चिन्हित किया था, जिन पर आने वाले दिनों में जहांगीरपुरी की तर्ज पर ही कार्रवाई की जानी है। वहीं इस बीच गुरुवार को NCB की रेड ने सबको हैरान करके रख दिया, जब शाहीन बाग में करोड़ों के ड्रग्स बरामद हो गए। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके से 50 किलो हीरोइन बरामद हुई। इसमें से 50 किलो हीरोइन है और 45 किलो संदिग्ध पदार्थ मिले हैं। इसके अलावा 30 लाख कैश और नोट गिनने की मशीन भी बरामद किए गए हैं। अनुमान जताया जा रहा है कि बरामद की गई हीरोइन की कीमत 400 करोड़ रुपए है। मिली जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान से ड्रग्स की खेप दिल्ली आई थी। ड्रग्स की तमाम खेप फ्लिपकार्ट पैकिंग में बंद थी। इस मामले में सिंडिकेट के तार उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस दौरान अब तक 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दूसरी ओर इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। BJP नेता कपिल मिश्रा ने इस रेड के बहाने CAA प्रदर्शनकारियों पर निशाना साधा और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। CAA विरोधी आंदोलन हो या ये सब जो दिल्ली में बंद करना और इस तरह का जो ये प्रोपेगेंडा चलता है, इस सब की फंडिंग जिहादी फंडिंग है। इन सबके देश विरोधी शक्तियों से, आतंकवादियों से कनेक्शन है। अब ये शाहीन बाग में जो अफगानिस्तानी नागरिक पकड़े गए हैं, तालिबान से इनका कनेक्शन निकल के सामने आया है। जहांगीरपुरी में जो लोग पकड़े गए, अवैध हथियार, सट्टा, नशा, इसका धंधा करने वाले लोग जो रामनवमी पे पत्थर चला रहे थे, ये जितने भी इस प्रकार के तथाकथित आंदोलन हो रहे हैं, इन सबके पीछे कोई ना कोई जिहादी फंडिंग, आतंकवादी कनेक्शन, देश विरोधी ताकतें, ये अब खुल के सामने आ रहे हैं। ड्रग्स, अवैध हथियार, इनका धंधा करने वाले लोग ये शाहीन बाग जैसे आंदोलनों के पीछे खड़े थे। और अब समय आ गया है दिल्ली की इन बस्तियों में जहां ये घुसपैठिए रहते हैं, जहां ये अपराधियों के अड्डे हैं, इनको कुचला जाए निर्ममता के साथ। वहीं इस मामले पर NCB के DDG जानेश्वर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हाल के दिनों में की गई कार्रवाई में ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। NCB ने शाहीनबाग में मौके से 50 किलो उच्च क्वालिटी की हीरोइन के साथ 47 किलो संदिग्ध पदार्थ भी जब्त किए हैं। इतना ही नहीं, एजेंसी ने शाहीनबाग के जामिया नगर में 30 लाख कैश, पैसे गिनने वाली मशीन के साथ बाकी सामान भी जब्त किया है। आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। INS रिपोर्ट।